हे गाइस, पिछला एपिसोड ख़त्म हो गया था और वहीं से स्टार्ट होता है। फर्स्ट सीन में हमें दिखा देता है एक फुटेज, जो कुछ बंदे होते हैं वहाँ पे फुटेज देख रहे होते हैं, वो भी है डोजवान की, जिसमें डोजवान ने बहुत सारे ऑर्क्स को बहुत जल्दी मार दिया होता है। वो कहते हैं ये इन्हें एक ही बार में ऑर्क्स को ख़त्म कर दिया और अपनी पावरफुल स्वॉर्ड की मदद से। वहाँ पे तीन बंदे भी होते हैं, वो उनको जानते हैं, उनके गिल्ड के होते हैं बंदे, मैगी गिल्ड के, और वो उस ऑर्क के लीडर की तरफ देखते हैं। जो ऑर्क का लीडर होता है वो बहुत बड़ा और पावरफुल होता है, मगर जो बंदा डोजवान होता है उसने एक ही बार में उन्हें हरा दिया होता है। उन्हें नहीं पता था कि यह डोजवान है। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे क्योंकि ना कोई भी इतना पावरफुल बंदा उधर था नहीं, और ऐसा लगता है कि वो एक एस रैंक का हंटर है। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। मैं सोचूं तो उसने सिर्फ एक मूव में सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। ऐसा हो मैं तो सोच भी नहीं सकता कोई बंदा इतना पावरफुल हो सकता है। और उसने अपनी स्वॉर्ड को एक मतलब भेजा और जल्दी ही ख़त्म कर दिया मॉन्स्टर्स को। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसने इतनी जल्दी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। और फिर वो उसकी स्वॉर्ड की तरह देखते हैं, वो कहते हैं जैसे ये बंदा सस्पिशियस है वैसे इसकी स्वॉर्ड भी सस्पिशियस है। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और फिर वो उसके बारे में सोचता है, एक नॉर्मल सा अर्थक्यूक आने से बहुत सारे ऑर्ग आ गए। और यही एक बहुत बड़ी बात है कि एक अर्थक्यूक में से ऑर्ग आ गए और उससे उनने फाइट करी और जीत भी गया वो बंदा। वो कहते हैं कि मगर ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस प्रॉब्लम है कि हम ऐसे बंदे को ढूंढ सकते हैं। फिर वो अपने अपने स्टाफ के असिस्टेंट से कहता है कि तुम जाओ उस बंदे के बारे में पता लगाओ। वो कहता है किम हिनुआ, कि वो एक वहाँ पे जो बंदा होता है वो एक और बंदे से कहता है कि इसके बैकग्राउंड के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मगर हम पता कैसे लगाएं। और जो मैनेजर होता है उनका, वो कहता है हेजिटेट मत करो और मुझे सब बताओ कि क्या है, और रुको मत और जल्दी से मुझे बताओ कि ना इसके बारे में और इस फुटेज के बारे में। और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बताता है कि ना जो भी मतलब वो बंदा है उसने यहाँ पे एड्रेस डाला था, होम एड्रेस, सिक्योरिटी नंबर, सब कुछ डाल दिया था, मगर उस पर 999 ऐसे लिख के आ रहा था। और उसका बहुत अजीब सी बात है, लगता है उसने फेक आईडी बनाई है जिससे उसके बारे में किसी को पता नहीं चले और वो उस रिफ्ट में भी घुस जाए। वो बंदा कहता है जो मैनेजर होता है, और मैनेजर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। वो कहते हैं ऐसा बंदा जो एक मतलब वो आया और चला भी गया और किसी को भनक तक नहीं लगी कि भाई कोई बंदा ऐसा आया था, और हमें पता चलता तो हम उधर जल्दी पहुंचते हैं, मगर सारे काम होने के बाद हम लौटने तो क्या फ़ायदा। फिर वो ऐसे ही सोच रहा होता है कि अपने मन में कि हमें अब क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो कहते हैं एक्चुअली वो एक एस रैंक का हंटर हो सकता है, और इतना पावरफुल एक एस रैंक का हंटर ही हो सकता है। उसने अपने माना की मदद से अपनी स्वॉर्ड को चलाया, जो एक बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसे ही मैनेजर उसके बारे में सोच रहा होता है। उसने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और एक इलेक्ट्रिक बैरियर बनाया जिससे कोई भी बंदा आएगा तो उसमें जल जाएगा। और उसने बहुत सारे ऑर्क से उन तीनों लड़कों की मदद, दो लड़कों और एक लड़की की मदद करी। मुझे वो मिल जाए तो मैं उसको अपनी गिल्ड में ज़रूर लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है वो कोई एस रैंक का हंटर है। फिर वहाँ पर एक पब्लिक ऑफिसर आता है, वो कहता है कि ना मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो यहाँ कहीं नॉर्मल एरिया में तो रहता होगा नहीं। फिर हमें यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है, फिर हमें हमारे डोजवान के घर का सीन दिखाता है, जहाँ पर डोजवान खड़ा होता है और वो कुछ अपने घर में ही आया होता है अभी अभी। डोजवान कहता है आज तो मेरा घर थोड़ा साफ लग रहा है, वो ऐसा यूनही से कह रहा होता है। जो यूनही होती है वो कहती है मैं अभी अभी ग्लोजरी स्टोर से कुछ सामान लेके आती हूँ खाने का, मतलब वो एक स्टोर पे जाने वाली है मतलब जहाँ से वो खाना ला सके। वो कहती है आज है ना तुम्हारे जो बेग्स तुम लाओगे वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएंगे, क्या मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। वो कहती है नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या जो हमारा डोजवान है वो कहता है क्या मैं आऊँ तुम्हारी मदद करने के लिए। वो कहती है नहीं अभी थोड़ी देर में मुझे खाना बना के तैयार करना है डिनर का। ऐसा जो वो यूनही कहती है, जो डोजवान होता है वो कहता है हाँ थोड़ी देर बाद वैसे ही डिनर होने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं। फिर वो अपने घर में जाता है, वो कहता है आज कुछ घर अजीब सा लग रहा है। फिर वो कहते हैं कि आज लगता है घर में पूरी सफाई हुई है। फिर वो अपने घर की तरफ देखता है तो घर बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया होता है, एकदम ऐसा कि पूरा का पूरा साफ हो गया। तो मगर अपने डोजवान को कौन सा फ़र्क पड़ रहा था। वो घर को देखता है पहले अजीब तरीक़ों से और फिर जाके अपने बेड पर लेट जाता है और आराम से आराम कर रहा होता है। वो कहता है आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गया। और वो कहता है कि ना मेरे को मैंने गैस ही किया था कि ना घर साफ होगा पहले से ही। तो फिर वो अपने मन में सोचने लग जाता है जितना भी मैंने फाइट करके आया मैं उधर किसी को पता नहीं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ के चला गया था इसलिए किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। फिर वो कुछ कहता है और फिर अपने ड्रॉअर में से बहुत सारे डायमंड्स देखता और डायमंड्स को हाथ में ले लेता है। और वो कहता है ये डायमंड्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल मतलब बहुत ज़्यादा हैं, और उसने सोचा कि इनको और को हरा के उनके अंदर से लिया है। वो कहता है किसी को मुझ पर शर्क नहीं हुआ है कि मैं नॉर्मली कोरियन हंटर हूँ, वो सारे लोगों ने तो मुझे एक नॉर्मल कोरियन सर्वर समझा और मैंने एक डायमंड को बेच भी दिया जिसकी कीमत 255 मिलियन थी। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था। मेरे पास अभी भी बहुत सारे डायमंड्स बचे हैं जिनको बेच के मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, मगर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे पास इतने सारे पैसे हो सकते हैं।
मेरे पास अभी भी 9 डायमंड्स बचे हैं और ये बहुत ज़्यादा है। इनमें से मैं इतने सारे पैसे कमा सकता हूँ कि मैं कह नहीं सकता कि मैं कितने सारे पैसे कमा सकता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन उन डायमंड्स को उछालता है और अपने बेड पे लेट जाता है और उसके अगल बगल सारे डायमंड्स फैल जाते हैं। ये डायमंड्स बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं मगर हमें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर जो डोजुआन होता है वो अपने घर में होता है और जो उसकी मतलब बेटी है जो यून ही, वो कहती है कि डैड मैंने आज बहुत सारा खाना बना दिया है। और डैड मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि जो मेरा आपने जो कॉन्ट्रैक्ट जो फर्स्ट टाइम में साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट गलती से मेरे से फट गया है, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई इस कॉन्ट्रैक्ट की, शायद ये हमें भी नहीं पता अभी क्या हुआ है। और फिर हमें पता चलता है वो कहती है कि ना मुझे माफ़ कर दीजिए, वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट रह गया, तो आप क्या मेरे लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। वो एकदम ऐसे दुखी हो जाती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनने में बहुत पैसे और बहुत ज़्यादा कुछ लगता है और जो अब उस पर है ना आने। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन है वो कहता है तुम्हें चिंता ही धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देता हूँ। ये सुन के जो यूनी होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मतलब एक तरह से उसको एकदम बहुत बड़ा शौक लग जाता है और वो कहती है क्या, और इतना कहती है वो अपने डैड की तरफ देखती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नया बना लेता है, वो भी मतलब पहले जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिससे वो उसकी बेटी हो जाए। सब तक पता नहीं उनमें क्या गड़बड़ हुई थी, ये तो आप मांगा पड़ के ही पता लगा सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो कॉन्ट्रैक्ट में दिखाया जाता है कि ना उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट लिख देता है हमारा जो मेन कैरेक्टर, और फिर वो कहती है कि वो कहता है मतलब अपना मेन कैरेक्टर कि तुम इधर साइन कर दो। और जो यूनी होती है वो कहती है लेकिन ये तो ऐसे, वो मतलब फिर किंतु परंतु करने लग जाती है। फिर वो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम बस साइन कर दो, बाकी सारी चीज़ों की चिंता मत करो। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लग जाती है और फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है। वो कहता है हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन अब मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, अब तुम मेरे लिए खाना लगा दो जैसे मैं खाना खा लूँ। और जो यूनी होती है वो थोड़ी आँखों में आंसू भर के कहती है ठीक है। और है ना जो हमारा मेन कैरेक्टर डोजुआन है वो कहता है अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब तुम मुझे दे दो। और फिर वो कहता है कि ना मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ तो तुम इस पर जल्दी साइन कर दो, मेरे लिए खाना लिया, मैं तुम्हारा प्यारा डैड हूँ ना, ऐसा वो उससे कहती है। फिर डोजुआन कुछ टिश्यू पेपर्स निकालता है और उसकी तरफ पास करता है और लो टिश्यू पेपर्स। और इतना कहते ही जो यूनी होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के वही बिल्डिंग में रोने लग जाती है, इतनी बुरी रोती है क्या बताए। फिर हमें सोमवार का दिन बताया जाता है, मतलब मंडे का दिन। फिर हमें उन्हीं के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका अपार्टमेंट में जो हमारा डोजुआन होता है वो कपड़े पहन रहा होता है, वो अपने ऑफिस के लिए शायद तक जा रहा होता है। और फिर वो बाहर निकलता है, वो कहता है आज कुछ सुना से लग रहा है, कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे। फिर जो यूनी है वो उसकी टाई सही करती है, वो कहती है डैड आप अपनी टाई सही कर लीजिए, और फिर उसकी वो टाई सही करने लग जाती है। फिर वो आती है और उसे खाने का एक लंच बॉक्स देती है, वो कहती है ये आज मैंने बनाया है आपके लिए लंच, अब आपको बाहर नहीं खाना पड़ेगा। फिर जो डोजुआन होता है वो लंच की तरफ देखता है और लंच की तरफ देखते ही वो खुश हो जाता है, वो कहता है आज लंच मिल रहा है, पता नहीं आज कहाँ से सूरज निकला है। और फिर वो लंच को ले लेता है। जो यूनी होती है वो खुश हो जाती है और यूनी कहती है आज आपका दिन अच्छा जाए, मतलब वो चाइनीज़ में कहता नहीं है कि आपका दिन अच्छा जाए, मतलब ऐसे ही अपने इंडिया में कहते होंगे कुछ पता नहीं है। फिर जो चली जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।